ये जी हम पहुंच चुके हैं लेयर्स, ये आप देख सकते हैं सामने फ्रंट। अभी जाके बेकरी पे चलते हैं, रात के टाइम तो बड़ा रश होता है, ऊपर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा हमें। ये आगे केक्स आ जाते हैं, ये जी केक्स हैं उनके। एक ये माल्ट चॉकलेट और एक लेमन, लेमन एक करना है, एक करना है। ये ट्राई करते हैं। ये जनाब ये देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी कैंट वी मॉल, हम जाएंगे और वहाँ क्योंकि सियालकोट में एक नई बेकरी ओपन हुई है जो कि मुल्क के दूसरे सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं उनकी लेयर्स की, तो अब माशाल्लाह सियालकोट में भी आ चुकी है, तो आज वहाँ का विज़िट करते हैं और साथ आपको ख्वाजा साहब रोड में दिखाता हूँ। एक व्यूवर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि रोड सारी बन चुकी हैं कि नहीं, तो मैंने उन्हें बताया था कि जो के जो कैंट वाली पुली है उसके करीब जो रोड है जो कि अल्लाह माली के सामने, वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो अभी देखते हैं कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, आप भी देखिएगा। और वेदर बड़ा अच्छा है, आज भी बारिश हो रही है सियालकोट में, तो साथ आज जाके बेकरी का विज़िट करते हैं, साथ आपको मैं रोड भी दिखाता हूँ। तो आइए ये देखते हैं, सामने हम पहुँच चुके हैं हसकोल पेट्रोल पम्प के पास। ये देखिएगा ये पेट्रोल पम्प आ गया जी, जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी ये सिविल लाइन वाली, ये सिविल हॉस्पिटल वाली सॉरी, तो ये भी बन चुकी है, ये देखिए कंप्लीट है ऑलमोस्ट ये भी रोड। और आगे हम देखते हैं जाके जी, ये देखिए अब यहाँ से भी जो ख्वाजा सदर रोड है बिल्कुल कम्प्लीट है, बस थोड़ा सा यानी हिस्सा रह गया था जो कि अल्लाह मालिक के बिल्कुल फ्रंट वाला, तो अभी जाके देखते हैं, काम तो चल रहा था परसों। ये देखिएगा अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा सामने, तो यही रास्ते से हम जाते हुए इंशाल्लाह वी मॉल पहुँचेंगे। ख्वाजा सदर रोड सीधा जनाब वी मॉल पहुँच जाता है और जाके बेकरी का भी विज़िट करेंगे आज। तो ये जी आ चुके हैं, अभी तक देख लें एक साइड कंप्लीट की है उन्होंने, दूसरी साइड नहीं की है। देखें ये अभी यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि अभी कम्प्लीट नहीं किया इन्होंने रोड, और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ, ये भी है अंडर कंस्ट्रक्शन लेकिन कम्प्लीट हो चुकी है। और ये एक नया पेट्रोल पंप बन रहा है जी, या पता नहीं किस कंपनी का ये, ये देखिए ये सामने हैस्कोल के बिल्कुल साथ ही ये नया पेट्रोल पंप बन रहा है, और ये अल्लाह मालिक के सामने देखिए ये वाली बस रोड, पूरे सियालकोट की रोड्स बन चुकी हैं, बस ये रह चुका है कि जितना हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल्लाह मालिक के सामने वाला भी रोड बिल्कुल तैयार है, ये देखे यानी कारपेटेड रोड बिल्कुल तैयार है, और ये साइड भी हो सकता है हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर ये भी कम्प्लीट हो जाए। तो अब चलते हैं जनाब सीधा वी मॉल, वहाँ जाके आपसे मैं बात करूँगा। व्यूवर्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी वी मॉल रोड पे, और आप सोच रहे होंगे कि जब कोई नया यानी कह ले बेकरी आती है या ओल्ड डोनट आया था तो हम वी मॉल वाली रोड पे ही आए थे, तो सियालकोट बहुत छोटा सा है और जितने ब्रांड जो नए आते हैं वो ज़्यादा इसी रोड पर आते हैं, तो इस वजह से आप घबराएं नहीं कि जब भी मैं आता हूँ और क्यों इस जगह पर आता हूँ, तो ये वजह मैंने आपको बता दी है, ज़रा फेमस पॉइंट है सियालकोट का, इस वजह से यहाँ पे जनाब लेयर्स की जो बेकरी है वो भी आई है। तो हम ये देखे पहुँच चुके हैं जनाब ये वी मॉल, और ये स्फायर भी यहीं पे है, और आपको अभी जाके बेकरी भी दिखाता हूँ। और ये जनाब एडवेंचर प्लेनेट है, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन लाएंगे बच्चों को, यहाँ पे मैंने अभी व्लॉग नहीं किया। और ये तमाम ब्रांड्स आपको मिलेंगे ये रास्ते में आप देख सकते हैं, और वो सामने जनाब अलफतेह है, यहाँ गाड़ी पार्क करके फिर इंशाल्लाह बेकरी पर चलते हैं। व्यूअर्स लेयर्स थोड़ा सा आगे है, तो इस वजह से मैंने दोबारा गाड़ी बाहर निकाली है पार्किंग से, तो आपको दिखाते हैं जी उसका मेन जो एंट्रेंस है, यहाँ पहले पिज़्ज़ा हट होता था आई थिंक, जहाँ ये लेयर्स अभी आई है, तो ये बस हम पहुँच गए हैं, तो आपको दिखाते हैं जी। ये जी हम पहुँच चुके हैं लेयर्स, ये आप देख सकते हैं सामने फ्रंट, अभी जाके बेकरी पर चलते हैं, रात के टाइम तो बड़ा रश होता है, ऊपर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा हमें। और ये सिंधबाद पार्क भी आप देख सकते हैं बच्चों का, इस पर भी मैंने व्लॉग किया हुआ है, वो भी देखिएगा ज़रूर। और बाइसन कैफ़े भी है यहाँ पे, बेकरी भी है उनकी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी यहाँ से यू टर्न लेते हैं, लें जी हम यू टर्न ले लिए हमने, और मेरे साथ अब्दुलरहमान भी है, ये देखिए अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान किधर आए हो? ये जी लेयर्स पर हम आ चुके हैं, यहाँ पार्क करते हैं गाड़ी जी,
ये सिंधबाद के बिल्कुल सामने, ये देखिएगा बिल्कुल सामने सिंधबाद के, ये जी नया जो बेकरी ओपन हुई है लेयर्स, ये जनाब यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, अब अंदर जाके देखते हैं जी। ले जनाब गाड़ी पार्क कर ली हमने, तो ये लाम लाइट के बिल्कुल साथ है, ये देखिए जी ये बेकरी है बड़ी प्यारी सी लेयर्स। ये जनाब इनकी एंट्रेंस उस साइड से है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ये जी अब चलते हैं अंदर, ये जी हम आ चुके हैं लेयर्स, ये देखिए ये सामने इनके अंदर आज बात है। ये जी इनके डोनट्स भी हैं, ये देखिए ये मिनी डोनट्स 180 रुपीज़ के, और साथ ही के चॉकलेट मफिन्स, डोनट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं इनके, खाना है ब्रह्मान डोनट। और इसके साथ साथ ये जी इसके कपकेक्स हैं, ये आगे केक्स आ जाते हैं, ये जी केक्स हैं इनके, पेस्ट्रीज ये पड़ी है, ये पेस्ट्रीज और केक्स, काफ़ी वैराइटीज़ हैं जी इनके पास, यानी जो प्राइसेस हैं वो भी बड़ी इकोनॉमिकल हैं, 2100 का, 3000 का, तो केक्स की काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ हैं इनके पास। तो ये कैश काउंटर है, इधर बिल होगा जी, रख लिया आपने, बाकी उधर से डोनट्स भी दो दे दे, डोनट्स भी करवा लो, देख लो कौन सा, कौन सा लेना अच्छा डोनट, चॉकलेट भी है और ये दूसरा भी है, देखो कौन सा, आपने ये लेना है, ये वाला चाहिए, हाँ ये दे रहे हैं, लेमन वाला भी, एक्सक्यूज मी लेमन डोनट्स करते हैं, और एक ये वाला ओरियो, ओरियो मुझे ये वाला चाहिए, और बड़ी अच्छी जनाब ये सेटअप है इनका, ये देखिए माशाल्लाह, अभी रश कम है, बहुत ज़्यादा रश था रात में, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो ये बिल्कुल न्यूली अभी ओपन हुई है, तो ये उनके पास कपकेक्स भी मैंने आपको बताए हैं, और डोनट्स भी हैं, पेस्ट्रीज भी हैं माशाल्लाह, और केक्स भी हैं, आशा और अब्दुल रहमान भी आए हैं साथ, तो अभी यहाँ से लेते हैं डोनट्स करवा लेते हैं, कुछ पेस्ट्रीज करवा लेते हैं, और वो सामने कैश काउंटर है, ये लो कि कौन सा भी है, ये ब्राउनीस, ये दो ब्राउनीस कर दें चॉकलेट, हाँ जी एक ये माल्ट माल्ट चॉकलेट और एक लेमन, लेमन एक करना है, एक करना है, ये जी डोनट्स भी करवाए हैं और चॉकलेट पेस्ट्रीज भी करवाए हैं, डिस्प्ले में बिल नहीं आ रहा है, चलो ये दे 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 होगा, नहीं जनाब ये हमारे हो गए, हाँ जी अभी नहीं आ रहा, तो ये जी सामने डिस्प्ले पे बिल भी आएगा जो आप पे करते हैं, और ये जनाब आप पे ये हमारे डोनट्स और पेस्ट्रीज हो चुकी हैं, नहीं व्यूअर्स बिल हो चुका है, और अब चलते हैं बाहर गाड़ी में, बड़ी अच्छी बेकरी है और बड़ी इकोनॉमिकल बेकरी है जी ये, आ जाओ, ओके जी भाई अस्सलाम वालेकुम, ले जनाब, और वेदर आप देखें जी बाहर कैसा है माशाल्लाह, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है सियालकोट में, तो अभी चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, ले जनाब, अच्छा ये ओल्ड डोनट की भी ब्रांच जो है वो बिल्कुल सामने है, और इनकी पैकिंग बड़ी प्यारी लगी है मुझे, ये देखें माशाल्लाह पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ इनकी पैकिंग है, और ये जी फैसलाबाद और लाहौर में इनकी ब्रांचेज़ हैं, तो अभी टेस्ट घर जाके करेंगे इंशाल्लाह, तो अभी जनाब गाड़ी में रखते हैं, इधर रख देते हैं फिर घर जाके इंशाल्लाह खाएंगे, ये देखें जनाब डोनट्स इनके और पेस्ट्रीज हमने लिए हैं, साथ स्पून भी मिलेंगे आपको, तो आशा चलो बैठो बैठो आशा, ले जनाब आज हमने ने आपको जनाब लेयर्स जो बेकरी यहाँ ओपन हुई है वो दिखाई है,
ले जनाब, गाड़ी में हम आके बैठ चुके हैं और आपको बताता चलूं कि बड़ी अच्छी माशाल्लाह ये फ्रेंचाइज लेयर्स की ओपन हुई है सियालकोट में। तो अभी हम अंदर से जनाब शॉपिंग करके आ चुके हैं और अब जाके घर जाके टेस्ट करेंगे इनके जो डोनट्स हैं और पेस्ट्रीज़ भी। केक्स की प्राइसेस काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, तो आपने मेरे साथ रहना है, बाकी घर जाके इंशाल्लाह आपसे बात होती है। तो आइए अब चलते हैं घर। जनाब बच्चों ने तो यहीं ज़िद कर दी है कि हमें यहीं दे दें, तो अब बाकी पेस्ट्रीज़ घर जाके खाते हैं। तो ये डोनट्स आपको दिखा रहे हैं और बच्चों को भी देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे डोनट्स हैं इनके। लो आशा ले लो आके, चॉकलेट वाला है आपका और ये अब्दुलरहमान का है। लो जी अब्दुलरहमान आप भी, तो आप टेस्ट करो फिर मुझे भी कराना कैसा है, दिखाओ। ले जी मैं भी टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़े ही फ्रेश डोनट्स हैं। और डोनट्स भी अच्छे हैं लेकिन उससे भी ये मुझे अच्छे लगे हैं। एक तो प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल है इनकी। लें जी पेस्ट्रीज भी, ये बच्चे कह रहे हैं अभी खानी है, अब घर जाके तो नहीं, इधर ही खाने लगे हैं गाड़ी में ही। तो ये जनाब आपको स्पून मिलेंगे साथ, और ये सबसे पहले हम ये जो ब्राउनीज़ है ये ट्राई करते हैं। ये जनाब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी पेस्ट्री है, बहुत मज़े की। और ये भी ट्राई करते हैं, बहुत फ्रेश है माशाल्लाह। ये देखिए ये भी ट्राई करते हैं। बहुत आला, ये थोड़ी फ्रेश है, ये थोड़ी मुझे लग रहा है कल की है, क्योंकि ये बहुत मज़े की है जो ये वाली। जी और जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं बच्चों ने बड़ा शोर मचा दिया जी, अभी खाने हैं। तो अब जनाब डोनट्स भी ट्राई किए हैं, उसके साथ ब्राउनीज़ भी ट्राई किए हैं, बहुत मज़े किए हैं। आप फुली रिकमेंडेड, आप आएँ ज़रूर यहाँ से लेके जाएं। और प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है यहाँ की दूसरी बेकरीज़ की नस्बत। तो बाकी आप तो आइएगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाहर मौसम जनाब, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम बड़ा प्यारा है सियालकोट का। आपको कल के ब्लॉग में मैं दिखाया था कि बारिश पूरा दिन होती रही है, आज भी बारिश है। तो जितने दिन बारिश रहेगी दुआ करें इसी तरह बारिशें रहें, ताकि मौसम जो है, आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान ठंडा गुजर जाएगा, क्योंकि धूप निकलने शुरू हो गई तो बड़ी जल्दी गर्मी आ जाएगी। तो बाकी आज की वीडियो में आपको मैंने जनाब लेयर्स जो बेकरी ओपन हुई है सियालकोट कैंट में वी वॉल पे, वो विज़िट करवाया आपको। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुआ में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।